हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस 9th-10th के लिए साइंस लेता हूँ और 11th-12th जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ, जैसे छोटे बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों दोनों के लिए हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, और थोड़े हमारे बड़े बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए उनके करियर काउंसलिंग, बोर्ड क्लासेस के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सो ऑन। मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर ऐसे सेशंस कंडक्ट किए हैं और मल्टीपल टाइम्स मैंने सेशंस जो है वो कंडक्ट किए हैं। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी जरूर अपलोड करूंगा, पर सही समय आने पर। फिलहाल मेरे लिए जो बहुत जरूरी है वो है आपका कंटेंट अच्छा डिलीवर करना, सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए और एंट्रेंस के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी अच्छी वेटेज का ये चैप्टर आता है हर एग्ज़ाम के अंदर और बहुत सारी रीजनिंग इसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा पी ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, तो पी ब्लॉक को अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स p ऑर्बिटल ऑफ लास्ट शेल, तो एलिमेंट p ब्लॉक को बिलोंग करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को एंटर करता है, ठीक है, तो वो p ब्लॉक को बिलोंग करता है। इसलिए इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, ns2 np1 से लेके 6। ठीक है, और सिंस इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इसीलिए इसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप कौन से होते हैं, इसके अंदर ग्रुप 13 सबसे पहले आता है, देन आता है ग्रुप 14, देन आता है ग्रुप 15, देन ग्रुप 16, 17 एंड 18। और उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ग्रुप 13 की होती है ns2 np1, ग्रुप 14 की होती है ns2 np2, ग्रुप 15 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ns2 np3, 16 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ns2 np4, 17 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ns2 np5, और 18 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ns2 np6। अब ये दो ग्रुप्स हमने क्लास 11th के अंदर पढ़े थे, तो हम अब शुरू करने वाले हैं ग्रुप 15 के साथ। मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी बता देता हूं कि हमारा पी ब्लॉक जो है वो कहां पे होता है। ये है हमारा पी ब्लॉक, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, और पी ब्लॉक का लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, incompletely filled, इसलिए इनको representative elements कहते हैं। ये देख लीजिए आपके group number है 13, 14 जो हमने 11th class में पढ़े थे,
हमको 15, 16, 17 और 18 ये चार ग्रुप हमने इस साल पढ़ने हैं, राइट? तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की, ग्रुप 15, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन की फैमिली। इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? NH2, NP3, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये नॉन मेटैलिक है, नॉन मेटैलिक है, सेमी मेटल, सेमी मेटल, और ये क्या हो जाते हैं? मेटल्स। आप देख सकते हैं 2s2, 2p3 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3 एंड 6s2, 6p3। अगर हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो साइज एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज। तो देखिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस एटॉमिक रेडियस अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है इन पिकोमीटर, 70 से 110। बट फास्फोरस से आर्सेनिक इट बिकम्स 1:1, आर्सेनिक से एंटीमनी इट बिकम्स 1:41, और एंटीमनी से बिस्मत इट बिकम्स 1:48। तो अगर आप यहां पर देखें, एक अच्छा खासा साइज में आ रहा है इंक्रीज, और अगर आप लास्ट में देखें, फिफ्थ से सिक्स्थ शेल में, तो साइज में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आता। सो यहां पर देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज एंड यहां पर देर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द साइज। अब ऑब्वियस सी बात है, साइज में चेंज इतना क्यों कम है ज्यादा है, उसके पीछे भी रीजन है। तो जब हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, सेकेंड शेल होता है, थर्ड शेल आता है, तो सेकेंड से थर्ड शेल में आते आते नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से साइज में अच्छा खासा इंक्रीज आता है। लेकिन जब हम फोर्थ से फिफ्थ शेल में जाते हैं, फिफ्थ से सिक्स्थ शेल में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी और एफ इनर ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं ऑफ इनर शेल्स। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आते हैं, पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट शेल के, मतलब सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में और थर्ड लास्ट शेल के एफ ऑर्बिटल में जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स में जाते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो बाहर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं शेल के, लास्ट शेल के, वो थोड़ा सा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कहते हैं दोनों कोवैलेंट और आयनिक रेडियाई शुरुआत में क्या करते हैं? अच्छे खासे इंक्रीज, इंक्रीज नीचे तक भी करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस एक अच्छा खासा इंक्रीज नजर आता है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मत एक स्मॉल डिक्रीज नजर आता है साइज के इंक्रीज में। वो क्यों होता है? क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल्स पूरे भर जाते हैं, जो क्या शो करते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने की। डाउन द ग्रुप अगर साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज, टेंडेंसी इंक्रीजेस
जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम लगती है। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि सिंस पी ऑर्बिटल ग्रुप 15 का हाफ फिल्ड होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इनकी 14 और 16 से ज्यादा होती है। यूजुअली अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए ग्रुप 15, ठीक है, से कम होनी चाहिए 14 की, 14 से ज्यादा किसकी होनी चाहिए 15 की, 15 से ज्यादा किसकी होनी चाहिए 16 की, बट नहीं, एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, ग्रुप 14 से ज्यादा किसकी होती है 16, और 16 से ज्यादा किसकी होती है ग्रुप 15 की। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं उनका पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाफ फिल्ड स्टेबल, जिनकी वजह से उनकी आयनाइजेशन इंथैलपीज जो है ग्रुप 15 की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है किससे, 14 एंड 16। अब ध्यान रखें ये हम पीरियड का कंपैरिजन कर रहे हैं, नीचे डाउन द ग्रुप का कंपैरिजन नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या करने की, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करने की, अपनी तरफ पुल करने की, खींचने की। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली नॉन मेटल्स को ज्यादा बिलोंग करती है, कि कौन से नॉन मेटल्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचना पसंद करते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्डेड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी, वो डाउन द ग्रुप क्या होती रहती है, डिक्रीज, क्योंकि साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब ज्यादा एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन हमारा नाइट्रोजन जो है N2 गैस जो डाई एटॉमिक है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें फॉस्फोरस जो है वो P4 एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉली एटॉमिक है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है। दूसरा, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है, बाकी के जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो किस स्टेट के अंदर है, गैसियस स्टेट के अंदर। नाइट्रोजन के अलावा सारे एलोट्रोपी शो करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि नाइट्रोजन गैस क्यों है और फास्फोरस सॉलिड क्यों है। देन नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो स्टेबल होने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, गेन करने होते हैं, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अगर शो करनी है तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं तो ये -3 आयन बनाते हैं, जिन जो इनको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दे देगा। तो देखते हैं कौन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद करता है। नाइट्रोजन ही अकेला ऐसा है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्या बनाता है, नाइट्राइड्स, जिसको हम कैसे लिखते हैं, N3-, वो भी इस वजह से क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में क्या होते हैं, कोवैलेंट, वो गेन नहीं करेंगे पर वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे फॉस्फोरस शोज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3, मतलब कुछ केसेस में फॉस्फोरस -3 शो करता है, पर ज्यादातर केसेस के अंदर वो क्या शो करता है, कोवैलेंट स्टेट शो करता है।
इसके अलावा माइनस थ्री के अलावा ज्यादातर एलिमेंट्स इस ग्रुप के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री एंड प्लस फाइव भी शो करते हैं। मतलब एलिमेंट्स दूसरे वाले इनसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अगर मैं आपको इसके अंदर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, PCl3- के अंदर फास्फोरस प्लस थ्री है और PCl5 के अंदर फास्फोरस जो है वो प्लस फाइव है। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि फास्फोरस जिस एलिमेंट के साथ अटैच्ड है क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा, इसलिए फास्फोरस का स्टेट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन टेंडेंसी प्लस फाइव स्टेट की डाउन द ग्रुप कम होती रहती है और प्लस थ्री की बढ़ती रहती है, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अभी हम बात करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हालांकि हमने क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सिंस पांच इलेक्ट्रॉन अगर आप बोले कि लूज करा दें और प्लस फाइव कैटायन बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ IE1 से लेके 5। ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी वैल्यू ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 प्लस IE5। तो सम ऑफ 5 IEs बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनका प्लस 5 कैटायन बनना मुश्किल है। ये प्लस 5 कैटायन नहीं बनाएंगे, पर ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो कर सकते हैं। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब है वो कैटायन बना रहा है आयन, और जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो ये समझाने के लिए मैं एक स्लाइड में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा वर्किंग जो है वो करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मत, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मत, ये पांच हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम साइज की तरह, इनके शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन की तरह हम प्लेस कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इसके दो शेल्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2s2 2p3। देन आ गया हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का न्यूक्लियस आ जाएगा और उसके पास तीन शेल्स होते हैं, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 3s2 3p3। देन हमारा आ गया आर्सेनिक, न्यूक्लियस और इसके पास कितने शेल्स होंगे, चार शेल्स, तो ये आ गया 4s2 4p3। देन आ गया हमारा एंटीमनी, ये रहा उसका न्यूक्लियस और इसके पास पांच शेल हैं, तो ये आ गया 5s2 5p3। और आखिरी में हमारा कौन आ गया, बिस्मित, ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये आ गए उसके छह शेल्स 6s2 6p3, राइट। तो आप देख सकते हैं डाउन द ग्रुप साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले तो हम इसमें से सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं,
क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं एज कंपेयर टू बाकी के पीरियड के एलिमेंट्स में, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये बाहर हो गया, राइट। अब उसमें भी हमको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या शो करना पसंद करता है, -3। अब बचा हमारा एलिमेंट थर्ड पीरियड का फॉस्फोरस, जिसमें हमने देखा कि फॉस्फोरस जो है वो +5 स्टेट शो कर रहा है। सर क्यों? फॉस्फोरस का साइज कंपैरेटिवली बाकी एलिमेंट से छोटा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो लास्ट शेल के दोनों ऑर्बिटल्स को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है। तो फॉस्फोरस को मजबूरी में अपने 3s और 3p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका स्टेट कितना आता है, +5। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते रहते हैं, न्यूक्लियस से लास्ट शेल दूर होता रहता है। जब न्यूक्लियस से लास्ट शेल दूर होता रहता है, तो बिस्मत के केस में इतना दूर अगर लास्ट शेल होगा, तो बिस्मत का न्यूक्लियस लास्ट शेल के सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड करके रख पाता है, उन्हीं के ऊपर अट्रैक्शन रख पाता है, उन्हीं के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करके रख पाता है, जिसकी वजह से पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो वो जब बाहर निकलेंगे तो वो कितने निकलेंगे, 3। मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब 15 का क्या हो गया, 5। और दूसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूनिट्स। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूनिट्स, तो अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दें तो वो क्या आ जाता है, 3। एंड ये किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, विच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP3 डाउन द ग्रुप, जैसे साइज इंक्रीज करता है तो शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ ऑर्बिटल्स का NH2 के बिहाफ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से NH2 के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड हो जाते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ NS इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बचता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनपी ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेट करते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया। ये पूरे पी ब्लॉक के लिए होता है, क्योंकि जब हम ग्रुप 13 पढ़ रहे थे क्लास 11th का, तो भी हमने उसमें बताया था कि ग्रुप 13 के दो स्टेट होते हैं, एक +3 एक +1, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ग्रुप 14 के भी दो स्टेट होते हैं, +4 +2, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ग्रुप 15 जो अब हम पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या होता है, +5 एंड +3, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो दो यूनिट्स का हमेशा डिफरेंस आता है, वो इस वजह से आता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो एनएस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है, राइट। तो आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब हम इसको आगे पढ़ रहे हैं।
कहते हैं नाइट्रोजन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है माइनस थ्री से लेके प्लस फाइव, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये सब हम जानते हैं, एंड इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करने की। सर क्या मतलब? एक्चुअली नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, वीक। इस वजह से नाइट्रोजन को दो बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, या कभी कभार नाइट्रोजन को आपस में ही तीन बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। जब नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है तो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी आता है और पाई बॉन्ड भी आता है। पहले वाले नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, दूसरे वाले नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये एक्सटेंट नाइट्रोजन में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो खुद के साथ ही बॉन्ड मल्टीपल बनाना प्रेफर करता है, दूसरों के साथ भी प्रेफर करता है, ऐसा नहीं है। और इस पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड से इतनी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है कि उसको आगे किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी एलिमेंट्स के अंदर पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कम होती है, क्योंकि उनके सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स जिनके अंदर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं, अमोनिया में माइनस थ्री है, ठीक है, तो हाइड्रोजीन में माइनस टू है, हाइड्रोक्सिलामाइन के अंदर माइनस वन है, यहाँ जीरो हो गया, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए इस स्टेट के अंदर, मतलब माइनस थ्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। अगर इस स्टेट के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं हो सकते, नो मोर इलेक्ट्रॉन गेन, तो अगर इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो सकते तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। तो दिस स्टेट कैन डू इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर ये स्टेट इलेक्ट्रॉन लॉस शो कर सकता है, इसका मतलब ये क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन। दैट मींस ये स्टेट क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली ये वाला एक्सट्रीम केस देखिए, इसके अंदर वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, नो मोर इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अगर वो लॉस नहीं कर सकता तो वो इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो क्या शो करेगा, रिडक्शन, एंड ये वाला स्टेट क्या बन जाएगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेट। बट बीच के जितने भी स्टेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन दोनों शो कर सकते हैं, इसलिए ऐसे स्टेट जो होते हैं वो क्या शो कर सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। Disproportionation. But कोई specific होता है एक state जो disproportionation show करना पसंद करता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास nitrous acid है जिसके अंदर हमारे पास N के ऊपर oxidation state जो है वो है plus 3, जो disproportionate करके nitric acid दे देगा जिसमें plus 5 आ गया, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसके अंदर क्या आ गया, प्लस टू। तो ये हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, गेन। सिमिलरली फॉस्फोरस है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसके अंदर फॉस्फोरस प्लस थ्री है, ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, और ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। तो प्लस थ्री से प्लस फाइव वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज, और प्लस थ्री से माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लॉस और ये हो गया
इलेक्ट्रॉन गे। तो ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। कहते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट टेंडेंसी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने की डाउन द ग्रुप क्या होती रहती है, कम, क्योंकि छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो टेंडेंसी कम हो जाती है। देन हम बात करते हैं कोवैलेंसी, इसका मतलब क्या होता है। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, क्यों, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने यूज करी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने यूज करी थी वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने यूज करी है वो है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। हालांकि इसके अंदर और भी फैक्टर्स आते हैं, और भी टाइप की बॉन्डिंग आती है जो हम आगे यूज करेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कहते हैं नाइट्रोजन सिर्फ अपने 4 ऑर्बिटल्स ही यूज कर सकता है, वो है एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। सर वो कैसे, अगर आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है दैट इज 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो वो 2s अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, और 2p ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। तो वो यही 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। 5 या 5 से ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए आपको खाली डी ऑर्बिटल चाहिए जो नाइट्रोजन के पास नहीं होता। ग्राउंड स्टेट के अंदर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, सेम, जिस वजह से वो यही 4 ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करा सकता है ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो इसलिए सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाएगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स only 4 bonds can be formed। कहते हैं इस रीजन की वजह से नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड नहीं बना सकता, NCl5 नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। हालांकि फॉस्फोरस PF5 और PCl5 दोनों बना सकता है। कहते हैं जो बाकी के हैवियर एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करके हायर कोवैलेंसी, मतलब 5 या 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे आर्सेनियस पेंटाफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइडो फॉस्फाइड, ठीक है। तो इसके अंदर इनके 6-6 ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 या फिर 6। तो अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो, मैंने आपको बताया था जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा रहा था कि नाइट्रोजन को इसमें से बाहर कर देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाई नाइट्रोजन बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। एनोमलस बिहेवियर या प्रॉपर्टी का मतलब है डिफरेंट बिहेवियर। सबसे पहली, एक तो इसकी टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड, वो भी कौन सा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत ज्यादा है, खुद के साथ और ये दूसरों के साथ भी बना सकता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये सब क्या है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग्स। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वीक, इसलिए उसको मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं। बट
फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास ओवरलैपिंग, खास अच्छी खासी ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स की नहीं हो पाती। तो जैसे आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ वीक है, क्योंकि हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में। अगर हम नाइट्रोजन के बाकी के इलेक्ट्रॉन शो कराएं, तो साइज छोटा होने की वजह से ये लोन पेयर्स आपस में रिपेल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। इसी रीजन की वजह से नाइट्रोजन कैटिनेशन भी शो नहीं करता। क्यों? बिकॉज कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होना जरूरी है। बिकॉज नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या है, वीक है। इसके अलावा इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, जो बाकी के एलिमेंट जो है वो शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है। तो फास्फोरस अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करके 6 क्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, शोइंग डी पाई पी पाई। मतलब फास्फोरस का डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा विद क्लोरीन का पी ऑर्बिटल, आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। तो डी ऑर्बिटल फास्फोरस का, पी ऑर्बिटल क्लोरीन का। फास्फोरस और आर्सेनिक वो डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, जैसे ट्राई इथाइल फॉस्फाइड, जैसे ट्राई फिनाइल आर्सेनाइड, जो क्या होते हैं, लाइगेंस। लाइगेंस क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो अभी तक के हमारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। कहते हैं, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर वो फिर भी पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा सकता है, बट को वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो सिर्फ 4 ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन के पास 2 शेल्स हैं, जिसके अंदर एस और पी ऑर्बिटल ही होते हैं, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। कहते हैं, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो वो क्या होती है, NS2 NP3। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होते हैं, इसके अलावा +5 और +3 होते हैं। ये दोनों स्टेट क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देन एटॉमिक साइज की बात करें, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती रहती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। राइट, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए इनके। कहता है, एक्सरसाइज का सेकंड, व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फास्फोरस। नाइट्रोजन
स्मॉल साइज की वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वो N2 मॉलिक्यूल बनाता है जो काफी ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। बट फॉस्फोरस का साइज बिग होता है, तो वो पी पाई की जगह डी पाई बॉन्डिंग शो करता है और वो P4 मॉलिक्यूल बनाता है जो रिएक्टिव होता है। ये नेचर में क्या होता है, सॉलिड। और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, गैस। तो नाइट्रोजन एक डायटॉमिक है N2, फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है P4। इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड तोड़ने की वजह से ये इनर्ट और अनरिएक्टिव है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। कहते हैं व्हाई डस R3PO एग्जिस्ट करता है। अब R3PO के अंदर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड शो करता है ऑक्सीजन के साथ और उसके साथ तीन आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये फॉस्फोरस है हमारा और ये +5 या 5 कोवैलेंसी शो कर सकता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन नाइट्रोजन को अगर हम बोलें कि वो 5 बॉन्ड बनाए जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, बाकी सिंगल बॉन्ड ये हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए उसका ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया है एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 के बारे में। बाकी के प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल हम आगे आगे लेक्चर्स में उनको अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो बेटा इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को फॉर CBSE, JEE एंड नीट स्ट्रॉन्ग बना सके। इस चैप्टर या किसी और चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपके लिए मुझे अगर लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो हम आगे के लेक्चर भी आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हम जल्दी अपलोड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।